हेलो फ्रेंड्स, एम एंड सी एजुकेशन वेलकम्स यू ऑल। एम एंड सी एजुकेशन में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत। हम जो एसएससी प्रीवियस ईयर्स पेपर सीरीज चला रहे हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का, उसका आज 24th सेट करने जा रहे हैं और इसमें हमें इन टोटल 25 सेट्स करने हैं। तो ये सेकेंड लास्ट सेट ऑफ दिस सीरीज है। इनमें हमने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस लिए हैं जो एसएससी सीजीएल 2019 टायर 1 से, जिनका कि एग्जाम जो है मार्च 2020 में हुआ था। तो आज ये सेट 24 शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, अनु अपनी मासिक आय का 68% खर्च करती है, यदि उसकी मासिक आय 20% की वृद्धि होती है और उसकी मासिक बचत में 9.38% की वृद्धि होती है तो उसके मासिक व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो हमें जब इनको सॉल्व करना है तो इसमें हम ऐसा लिख दें कि यहाँ पर आय लिख देते हैं, फिर खर्च लिख देते हैं और फिर बचत लिख देते हैं। ठीक है, इतना चीज कर लेते हैं। फिर जो है आय हम सपोज कर लेते हैं कि 100 रुपये का था, क्योंकि परसेंटेज वाइज हम अगर करना चाहते हैं 100 था। फिर मासिक आय का 68% जो है वो खर्च कर देती है, तो मतलब अगर 100 रुपये आय हमने सपोज करें, इतना है नहीं, इससे कई गुना ज्यादा है, तो यहाँ पर हमने सपोज किया है तो 100 पे ये आसानी से हो जाता है, इसलिए हम सपोज कर लेते हैं कि 100 है। अब 100 में 68 वो खर्च कर देती है तो बचत उसका जो है यहाँ पर कितना था। तो अगर देखें तो 100 में से 68 अगर वो खर्च कर देती है तो उसका बचत तो 32 का ही हुआ ना, तो वो 32 रुपीज खर्च कर देती थी, 32 रुपीज बचा लेती थी, 68 खर्च कर देती थी। ठीक है, फिर क्या हुआ कि 20% की वृद्धि हो गई, तो उनके आय में जब 20% की वृद्धि हो गई तो अब जो है उनकी आय कितनी हो गई, 120 की हो गई। अब 120 में वो कह रहे हैं कि और उसकी मासिक बचत में 9.38% की वृद्धि हो गई, तो 9.38/3 जो है, 9.38 है, इतना परसेंट को अगर हम देखें तो ये जो है 8.972+3 तो 75/8% हो गया ऑफ कितना, 32। हम पहले पता कर लेते हैं ताकि हमें ये पता चले कि उसकी आय, उसकी बचत जो है अब कितनी बढ़ गई। तो ये 72 अगर देखें तो 4 जब तो 75 × 4 हो गया। ठीक है, 75 × 4 और फिर बाय 100 भी हो जाएगा परसेंट के लिए। ठीक है, तो ये परसेंट हटा दीजिए और यहां पर 100 लगा दीजिए, तो ये आ गया, 100 लगा दिया। अब क्या हुआ कि 4 से ये जब हमने कैंसिल कराया तो ये 3, मतलब उसके बचत में 3 रुपीज का इंक्रीमेंट हो गया, मतलब बढ़ गया। तो अब जो बचत है वो 35 रुपीज का हो गया, क्योंकि पहले 32 था, 3 रुपया और बढ़ गया तो ये 35 हो गया। अब जो है उसका जो खर्च है वो कितना हो गया, 35 अगर हम इसमें माइनस कराएंगे तो हमें कितना मिल रहा है, 85 मिल रहा है। तो 85 रुपीज वो अब खर्च करने लग गई। तो खर्च में जो वृद्धि परसेंट है वो कैसे निकालेंगे, परसेंटेज वृद्धि जो निकालेंगे उसके लिए क्या करेंगे, तो हम 85 − 68 कराएंगे और अपॉन में 68 कराएंगे और इंटू में 100 कराएंगे, ये परसेंटेज निकालने के लिए। तो 85 − 68 होता है 17 और ये हो गया 68। ठीक है, और इंटू में हमें करना है 100, तो 17 × 4 = 68 होता है और 400 को कैंसिल कराता है 25 में। तो इस तरह से उसके खर्च में कितनी वृद्धि हो गई, 25% की, यानी कि हमारा ऑप्शन वाइज ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, यदि एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की दर पे 13 वर्ष में दोगुनी हो जाती है तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करें। देखिए यहां पर क्या हुआ कि
कोई भी धनराशि अगर साधारण ब्याज पे या किसी भी ब्याज पे, चक्रवृद्धि ब्याज पे भी अगर वो डबल हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि जो इंटरेस्ट अर्नड है ड्यूरिंग दैट पीरियड, जिसकी भी बात कर रहे हैं यहाँ पे 13 वर्ष की बात कर रहे हैं, तो मतलब 13 वर्ष में जो भी धनराशि हमने लगाई उतना ही उसका साधारण ब्याज भी बन गया, तभी वो डबल हो गया, है ना। सिंपल सी बात है। तो यानी कि यहाँ पर जो सिंपल इंटरेस्ट है वो किसके बराबर हो गया, जो हमने पी माना था, ठीक है बात। यहां से अब हमारा एक इक्वेशन तैयार हो गया। एस आई हमारा क्या होता है, पी टी आर होता है। तो पी टाइम है 13 वर्ष और रेट जो है वो आर हम सपोज कर लेते हैं, अपॉन में 100 हो गया, और इक्वल टू ये किसके बराबर होना चाहिए, पी के बराबर होना चाहिए। तो यहां से पी कैंसिल हो गया तो आर इज इक्वल टू निकल आया हमारा 100/13, ठीक है। अब 100 को जब हम 13 से डिवाइड कराते हैं तो हमें क्या निकलेगा, ये निकलेगा 7.69%, ठीक है। तो 7.69% जो है वो क्या है, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ब्याज की दर। तो सी ऑप्शन करेक्ट है, 7.69%। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। x/3 + y/5 का विस्तार क्या होगा, ये हमें पता करना है। तो हम जो है यहाँ पर क्यूबिक जो a + b³ का फॉर्मूला होता है वो लगा सकते हैं, या फिर बाइनोमियल एक्सपेंशन का फॉर्मूला लगा सकते हैं। पर चूंकि ये क्यूबिक है तो हम जो है a + b³ का ही फॉर्मूला लगा देते हैं। तो ये आ जाएगा x³³ + 3 × x²² (y/5) + 3 × x²³ (y/5)³, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा x³ / 9 × y/5 + 3 × x²³ (y²³)² (25), ठीक। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब ये आ गया x³ / 27 + यहां से 3 ये कैंसिल हो जाएगा तो x²y/15 आ जाएगा, प्लस ये 3 कैंसिल करा दीजिए तो xy²/25 हो जाएगा, प्लस y³/125 हो जाएगा, ठीक है, 125 हो जाएगा। तो अगर हम ऑप्शन वाइज देखें तो हमें क्या है, x³/27, x²y/15, xy²/25, y³/125। तो यहां पर ऑप्शन वाइज हमारा थर्ड मतलब सी ऑप्शन करेक्ट है। देखिए x³/27, तो यहां पर भी x³/27 हमें आया है। फिर आया है x²y/15, तो यहां पर भी x²y/15। फिर यहां पर xy²/25 है, यहां पर भी xy²/25, y³/125, y³/125, ठीक है। तो इस तरह से सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, ए बी केंद्र ओ वाले एक वृत्त का व्यास है, वृत्त के बिंदु सी पर खींची गई स्पर्श रेखा ए बी को आगे बढ़ाने पर बिंदु क्यू पर मिलती है, यदि एंगल सी ए बी 42 डिग्री है तो एंगल सी क्यू ए की माप क्या है। तो यहां पर ये कह रहे हैं कि पहले तो एक सर्कल बना लेते हैं। इसमें ए बी जो है एक डायमीटर है, ओ इसका सेंटर है। फिर यहां पर एक टेंजेंट बनाया जो कि आगे बढ़ाने पर क्यू पे मिल रहा है ए बी के एक्सटेंडेड पार्ट पे। यहां पर एक पॉइंट जो है वो सी है, ठीक है, ये स्पर्श रेखा हो गई इसकी। अब ये हमें ये कह रहे हैं कि यहां से जब हमने इसको ज्वाइन कराया
किसको, सी पॉइंट को, ए से ज्वाइन कर रहा है, ठीक है। तो ए बी को आगे बढ़ाया, वो क्यू पर मिली, एंगल सी ए बी 42 डिग्री, 42 डिग्री दिया हुआ है एंगल सी ए बी, ठीक है। अब देखिए यहां पर एंगल सी ए बी अगर 42 डिग्री है तो ये एंगल कितना होगा, जो हम सेंटर से ज्वाइन कराएंगे तो ये एंगल कितना हो जाएगा, तो ये 42 है। तो देखिए यहां पर जो है एक अगर हम कॉर्ड खींच लें तो ये कॉर्ड जो है यहां पर बना रहा है कितना, 42 डिग्री। तो यही जो है कॉर्ड सेंटर पे कितना बनाएगा, 42 का डबल यानी कि 84 डिग्री, ठीक है। उसके बाद ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल जो है 90 डिग्री हो जाएगा। और अब हमें ये पूछ रहे हैं, तो ये 90 डिग्री हो गया, ये 84 हो गया, तो बचा कितना रह गया, 6 डिग्री ना, तो हमारा डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गई बात, ये कैसे आया, ये 90 क्यों हुआ, ये 90 इसलिए हुआ कि रेडियस जो है टेंजेंट के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है। फिर जब हमने इस ट्रायंगल को कंसीडर करा तो उसमें ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, उसमें एक एंगल 84 है तो दूसरा 6 ही होगा, क्योंकि तीसरा तो 90 होगा ही, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इस तरह से डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5, यदि 3 sec square theta plus 10 theta is equal to 7, 0 degree less than theta less than 90 degree है, मतलब theta first quadrant में दे दिया, तो हमें जो है निकालना है cosec 2 theta plus cos theta upon sin 2 theta plus cot theta की वैल्यू। अब जो है अगर हम यहाँ पर आए तो 3 sec square theta है ना plus 10 theta है और फिर equal to 7 दिया हुआ है, तो हम पहले 3 sec स्क्वायर थीटा को 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 लिख देंगे और प्लस 10 थीटा, ठीक है, और इज इक्वल टू 7 कर देंगे। फिर जो है यहां पर ये आ गया 3 tan स्क्वायर थीटा प्लस 10 थीटा और माइनस 4 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब जो है अगर हम देखें तो ये 3 tan स्क्वायर थीटा, यहां पर 4 3 से 12 है ना, तो प्लस 4 करना पड़ेगा 10 थीटा माइनस 3 10 थीटा माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये आ जाएगा, अगर हम पहले दो से 10 थीटा कॉमन ले लें तो यहां पर आ गया 3 10 थीटा प्लस 4, फिर यहां माइनस 3 10 थीटा प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा 3 10 थीटा प्लस 4 और ये आ जाएगा 10 थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा 10 थीटा इज इक्वल टू माइनस 4 बाय 3 या 1। अब माइनस 4 बाय 3 चलेगा नहीं, क्योंकि हमें जो थीटा है वो किसके बीच में दिया हुआ है, 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में, ठीक है ना, तो ये बात बनेगी नहीं। तो 10 थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, तो वो 1 आ गया। इसका मतलब क्या आ गया, टेन जो है 45 डिग्री पे 1 होता है, तो थीटा जो है 45 डिग्री हो गया। अब थीटा 45 डिग्री हो गया तो हमें कॉसेक 2 थीटा कितना आ जाएगा, कॉसेक 90 डिग्री के बराबर आ जाएगा, कॉस 45 डिग्री हो जाएगा अपॉन में साइन 90 डिग्री हो जाएगा और प्लस कॉट 45 डिग्री हो जाएगा। तो कॉसेक 90 डिग्री तो 1 होता है, कॉस 45 डिग्री 1 बाय रूट 2 होता है, साइन 90 डिग्री 1 होता है, कॉट 45 भी 1 होता है। यहां पर हमने एलसीएम लिया रूट 2 प्लस 1, ये रूट 2 नीचे आ जाएगा, 1 प्लस 1 2 हो गया तो 2 रूट 2 है। अब रेशनलाइज अगर कराएंगे तो हमें रूट 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। इस तरह से ये रूट टू से मल्टीप्लाई होके 2 बन जाएगा प्लस रूट टू इंटू 1, तो ये हो जाएगा रूट 2 अपॉन 2 रूट 2 इंटू रूट 2 विल गिव अस 4। ऑप्शन वाइज देखिए कि 2 प्लस रूट 2 अपॉन 4, 2 प्लस रूट 2 अपॉन 4 जो है डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, यदि 18 पुरुष किसी खेत को 35 दिनों में काट सकते हैं तो 21 पुरुष उसी खेत को कितने दिन में काट सकते हैं, ठीक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन है ये।
यहाँ 18 पुरुष किसी मतलब 18 मैन जो है वो 35 डेज में खेत में कटाई कर सकते हैं, ठीक है। तो एक मैन जो है उसको कितने दिन में करेंगे, तो 18 × 35 डेज में करेंगे, ठीक बात है। तो फिर 21 पुरुष मतलब 21 मैन विल डू इट इन 18 × 35 / 21 डेज, राइट। अब 7 3s are 7 5s are और 3 6 हो गया, तो टोटल कितने डेज आ गए, 30 डेज हो गए। तो 30 डेज में जो है वो 21 मैन काट देंगे, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 300 और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए 50 है, तो ए प्लस बी प्लस सी का मान क्या है। दिया गया है कि ए बी और सी सभी धनात्मक हैं, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर भी दिया हुआ है और ये भी दिया हुआ है, तो हमें ए प्लस बी प्लस सी का मान अगर निकालना है तो हम ऐसा करते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर वाला यूज कर लेते हैं आइडेंटिटी। तो ये क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस bc प्लस ca, फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जो है यहां पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है, तो वो हो गया 300, 2 × ab प्लस bc प्लस ca 50 दिया हुआ है, तो इस तरह से ये 100 हो गया, तो ये टोटल हो गया 400। तो a प्लस बी प्लस सी जो है वो रूट अंडर ऑफ 400 हो जाएगा, जो कि 20 हो गया, क्योंकि सारे धनात्मक हैं, इसलिए सम भी तो धनात्मक ही संख्या आएगी, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया इस वाले क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित तालिका 4 वर्षों 2016 से 2019 के दौरान एक देश के आयात और निर्यात रुपया करोड़ में को दर्शाती है। वर्ष 2016 से 2019 तक है, आयात दिया हुआ है, निर्यात दिया हुआ है, औसत व्यापार संतुलन मतलब ट्रेड बैलेंस हमें निकालना है करोड़ रुपया में। तो हम जो है पहले आयात का सम देख लेते हैं कि टोटल आयात कितना हुआ है। तो आयात हमारे पास यहाँ पर जो हुआ है वो उनका सम हमें कराना पड़ेगा, तो हम यहाँ पर आयात के लिए सम करते हैं। आयात हो गया 125 प्लस 145 प्लस 165 प्लस 188, तो ये आ गया 15 प्लस 8 23, तो 3 आ गया 2, तो 10, 16, 20, 22, तो 2 कैरी हो गया 3, 4, 5, 6, 623 आ गया आयात। अब निर्यात देख लेते हैं, तो निर्यात के लिए हमें ये निर्यात वाला करना पड़ेगा ना, तो ये निर्यात इज इक्वल टू है 130 है, फिर 150 है, फिर 175 है और फिर 200 है, तो ये आ गया 280, 380 और 480 हो गया ना, ये दोनों मिलके 580 हो गया, 580 प्लस 75 तो 655 हो गया। अब जो है हमें डिफरेंस निकालना होगा, इन दोनों का डिफरेंस हमारे पास कितना आ रहा है, तो वो औसत व्यापार संतुलन के लिए यूज होगा ना, तो औसत व्यापार संतुलन जो होगा वो 655 माइनस 623 कितने साल के लिए है, ये देखिए 4 साल के लिए है, तो हमें 4 से डिवाइड कराना पड़ेगा, तो ये आ गया 32, ठीक है, 32/4 हो गया, तो ये हमें क्या दे जाएगा 8। ऑप्शन वाइज बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, कौशेक ए प्लस कॉट ए प्लस 1 कौशेक ए माइनस कॉट ए प्लस 1 माइनस 2 कौशेक ए का मान ज्ञात कीजिए। तो यहां पर जो है कौशेक ए प्लस कॉट ए प्लस 1 और यहां पर देखिए कौशेक ए माइनस कॉट ए प्लस 1, तो यहां पर रीग्रुप कर देते हैं, मतलब कौशेक ए ये 1 को हम सामने ले आते हैं तो प्लस 1 आ जाएगा। यहां पर देखिए किस तरह से हम इसको रीग्रुप करते हैं, कौशेक ए प्लस 1 लिख दे प्लस कॉट ए बाद में लिख दें, ठीक है, और इंटू करा दे कौशेक ए प्लस 1 माइनस कॉट ए। ऐसा करने के पीछे कारण यह है
कि हम अगर इसको x मान लेंगे तो ये x हो जाएगा, और ये प्लस y इसको मान लेंगे तो ये माइनस y हो जाएगा। तो हम यहाँ पर फिर इस पे क्या x प्लस y इंटू x माइनस y का की आइडेंटिटी लगा सकते हैं, और यहाँ पर 2 cos a तो है ही हमारे पास। अब जो है ये क्या बन जाएगा, अगर हमने x स्क्वायर मतलब cos a प्लस 1 का स्क्वायर माइनस cot a का होल स्क्वायर यही हो जाएगा, और माइनस 2 cos a भी हो जाएगा, तो ये आ जाएगा cos स्क्वायर a प्लस 1 प्लस 2 cos a और माइनस cot स्क्वायर a माइनस 2 cos a। ठीक है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब देखिए ये 1 माइनस कॉट स्क्वायर है कॉसेक स्क्वायर है, तो अब क्या बनेगा, ये यहां पर देखिए कॉसेक स्क्वायर ए को हम कॉट स्क्वायर ए प्लस वन लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो कॉसेक स्क्वायर ए के लिए हो गया प्लस वन, और ये माइनस कॉट स्क्वायर है, तो कॉट स्क्वायर ए से कैंसल हो गया, तो वन प्लस वन कितना आ गया, टू आ गया। ठीक है, तो आंसर हमारा आ गया डी, ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। ए बी और सी अकेले अकेले एक काम को क्रमशः 24 दिन 16 दिन और 32 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो यहां पर है कि यदि ए और सी कार्य शुरू करते हैं और 6 दिनों तक कार्य करके छोड़ देते हैं, तो हम सीधा सीधा यहां पर रिमेनिंग वर्क अगर निकालें तो रिमेनिंग वर्क निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वन में माइनस करा देंगे 6 दिनों में जो ए और सी ने मिलके काम किए, अब 6 इंटू करा देंगे। अब एक दिन में जो है ए 1/24 काम कर सकता था, क्यों, क्योंकि 24 दिन में ए काम ही पूरा कर देगा, तो एक दिन में 1/24 पार्ट ऑफ द वर्क ही विल डू, एंड फॉर सी इट विल बी 1/32 क्योंकि 32 दिनों में वो सी अकेले उसको पूरा कर देगा। ठीक है, इस तरह से ये आ गया 1 और माइनस ये आ गया 4 माइनस यहां पर आ जाएगा 3/16। ठीक है, अब एलसीएम ले लेते हैं तो ये आ गया 16, तो यहां पर क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा, माइनस 4 आ जाएगा और माइनस 3 आ जाएगा, तो ये क्या बन गया 16 माइनस 7 और अपॉन में 16, तो ये 9/16 हो गया। समझ में आ रही बात, कोई दिक्कत नहीं है, तो 9/16 पार्ट ऑफ द वर्क अभी बचा हुआ है। अब जो है इसको पूरा करना है किससे, इसको पूरा करना है बी से, और वो 16 दिन में काम पूरा कर सकता है, तो एक दिन में 1/16 कर सकता है, तो एक्स डेज में वो कितना कर लेगा, x/16। अच्छी तरह से समझ लीजिए, एक्स डेज में वो कितना कर लेगा, x/16, और इसको काम अभी बचा हुआ कितना 9/16, 16 कैंसिल करा दीजिए, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 9 डेज आ गया। तो मतलब ये हुआ कि जो b है उसको उस कार्य को जो बचे हुए कार्य को पूरा करने के लिए 9 दिन और लगेंगे, तो d ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया।